मंडी जिले के श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में स्थापित PCR लैब के बाद अब एक और नई टेस्टिंग लैब की सुविधा मिलने जा रही है। इस सुविधा से मेडिकल कॉलेज नेर चौक में हाईटेक वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब जल्द ही शुरू होने वाली है। मेडिकल कॉलेज स्तर की इस हाईटेक लैब को बनाने का कार्य लगातार चला हुआ है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस लैब के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कॉलेज प्रबंधन को 1.82 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस राशि से लैब स्टाफ और मशीनरी को तैयार किया जा रहा है। लैब का निर्माण और स्टाफ की नियुक्ति को लेकर कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा लैब में इस्तेमाल होने वाली 80% मशीनरी भी आ चुकी है। इस आधुनिक लैब के लिए आयुष मशीनरी का पहले से ही स्थापित PCR लैब में इस्तेमाल किया जा रहा है। सेंटर से एक और लैब दी गई है, VRDL, वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी। ये एक मेडिकल कॉलेज लेवल की लैब हमारे को दी गई है और इसका पैसा भी कोई 1.82 करोड़ उन्होंने दिया है। और स्टाफ, the machinery and the renovation of the lab. और ये काम हमने वार फुटिंग के ऊपर शुरू कर दिया है। लैब का सिविल वर्क चल रहा है हमारा और रिक्रूटमेंट्स एंड हायरिंग प्रोसेस। मशीनरी लगभग देखे थोड़ी सी बची होगी 20%, बहुत 80% लेकर के हमने जो प्रेजेंट PCR लैब है ना उसी में यूज करनी शुरू कर।